अभी नहीं यार, मैं थोड़ी देर बात कर लूंगा। एक काम करता हूँ, मैं शाम को कर लूंगा। शाम को छोड़ो, मैं कल ही कर लूंगा। फिर सोमवार से, फिर एक तारीख से, फिर परसों, और ऐसा करते करते बीत जाएंगे बरसों, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बना लो जितने बहाने तुम बनाना चाहते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब जिंदगी अपने तरीके से सिखाना शुरू करेगी ना, फिर बैठकर रोना मत। फिर उस टाइम पर ये मत कहना कि काश उस टाइम पर ये कर लिया होता था, आज ये दिन ना देखना पड़ता। पूरे दिन फोन पर टाइम वेस्ट करने के बाद तुम ये सोचते हो कि यार आज का दिन भी पूरा बर्बाद हो गया, आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और अगले दिन तुम फिर से वही गलती दोबारा से करते हो। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है उन गलतियों को दोहराना। आपने अपने आप में एक बात ऑब्जर्व की होगी या फिर मुझे बताने वाला हूँ, वो करके देखना। आप डेली जो भी करते हो वो करते रहना, जितना हो सके उतना टाइम वेस्ट करना, जितना हो सके उतना फोन चलाना, और देखो कि ये सब करने के बाद में कितना मजा आता है अंदर से। और अगले दिन आपको इनमें से एक भी काम नहीं करना है। अगले दिन आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है। अब इम्पोर्टेंट काम हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कईयों के लिए पढ़ाई हो सकती है, कईयों के लिए कोई स्किल हो सकती है जो सीख रहे हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। और ये करने के बाद में देखना कि तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। पॉसिबिलिटीज है कि प्रोसेस में थोड़ा दर्द होगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें जो खुशी मिलेगी वो खुशी लाख गुना ज्यादा होगी उस खुशी से जो खुशी तुम्हें मोबाइल चलाने के बाद मिलती है। टाइम वेस्ट करने में, गप्पे लड़ाने में, फोन चलाने में, टीवी देखने में, इन सब में प्रोसेस में मजा आता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होता है उसमें हमें अंदर ही अंदर दर्द होता है, अंदर ही अंदर हमें रिग्रेट होता है। लेकिन जो सही काम होते हैं, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, प्रोसेस में भले ही हमें थोड़ा दर्द होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला मजा चाहिए। अगर बड़ा वाला मजा चाहिए तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। प्रोसेस में जो दर्द होगा उस दर्द को थोड़ा सहना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आज भी आपने वही किया जो कल तक आप करते आए थे, तो आज भी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपको कल तक मिलता आया है। आपने भी ये कई बार सुना होगा, ये जिंदगी है, मौज करो, जो मन में आए वो करो। अरे माना कि जिंदगी में जीना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जिंदगी को बर्बाद ही करते हैं। देखो, ना करने के तो हजार बहाने मिल जाएंगे, लेकिन करने के लिए ना सिर्फ एक सीधी काफी है। क्योंकि वो किसी ने क्या खूब बात कही है कि भीड़ में तो यहाँ हर कोई चलता है, सूरज की तरह यहाँ कोई कोई ही जलता है, कठिन से कठिन राह पर भी वो कभी न पीछे मुड़ता है। अरे कामयाबी भी घुटने टेक देती है उसके सामने जो अपनी जिद पर अड़ा होता है, जो अपनी जिद पर अड़ा होता है। अरे तूफान भी हार जाते हैं वहाँ जहाँ कश्तियाँ अपनी सिर पर होती है। जब समय हो विपरीत, अगर हो जाए कठिन नगर, मन अगर हताश निराश हो, खत्म हो रहा आत्मविश्वास हो, तो खुद पर यकीन तू कर, बस तू अपना कर्म कर। यह जलजला जो आया है वो खुद ही चला जाएगा। मजबूत जो तेरे इरादे हैं, कोई तुझे हिला भी ना पाएगा, कोई तुझे हिला भी ना पाएगा। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें जो बनना है इस पर विश्वास करो, जिद्दी बनो और इतिहास रचो।